नारी सशक्तिकरण संघ राष्ट्रीय द्वारा महिला अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज उठाने जागरूक किया गया एवं नारी का सम्मान असली हीरो की पहचान अभियान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला अपराध डीएसपी सोनाली गुप्ता ने पत्रकारों व उपस्थित महिलाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की अपील की। महिलाओं पर हो रहे भद्दे कमेंट या अश्लीलता भरी बातों का विरोध करने अपील की गई है, जहां कार्यक्रम के अंत में डीएसपी सोनाली गुप्ता ने नारी का सम्मान असली हीरो की पहचान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नारी सशक्तिकरण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नूतन सिंह चौहान, डीएसपी महिला अपराध सोनाली गुप्ता, एसआई आशिमा गौतम सहित संघ की महिलाएं उपस्थित रहीं। संघ की अध्यक्ष नूतन सिंह चौहान, आज का हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा है कि महिला अपराध को पूरी तरह से बंद करना है और हम सब महिलाएं और बहनें मिलकर इस अपराध को जल्द से जल्द पूरे देश अपने पूरे देश मध्य प्रदेश अपने शहडोल जिले से हटाएंगे। और ये हम सब ने शपथ ली है, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें और हमारे देश की सारी महिलाएँ सुरक्षित हों, इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। मध्य प्रदेश पुलिस का जो सम्मान अभियान चल रहा है, नारी सशक्तिकरण संघ ने उसमें सहभागिता दर्ज कराई है, जिसमें नारी सशक्तिकरण संघ की सभी सदस्य यहां पर उपस्थित हुई हैं। नारी सशक्तिकरण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नूतन सिंह मैडम भी हैं हमारे साथ, जिनके साथ मिलकर यहां पर सम्मान गान का गायन भी किया गया है और इन सभी ने शपथ ली है कि हम एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जहां पर नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और ये जो अभियान है नारी सशक्तिकरण संघ के साथ हम अपने पूरे शहडोल जिले में स्प्रेड करेंगे, जिससे लोग इसके संदर्भ में जागरूक हो और महिला अपराध के संदर्भ में, महिला सुरक्षा के संदर्भ में हम जन जागरूकता फैला सकें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।